हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, एसएससी द्वारा जो है एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में बात करेंगे 2023 में टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ये रीजन वाइज और स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी है। तो इसमें जो है टोटल 1558 वैकेंसी निकाली गई है, 1558 वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस का जो एज ग्रुप 18 से 25 साल है इसमें 998 वैकेंसी है, और जो आपका एज ग्रुप 18 से 27 साल है इसमें टोटल 200 वैकेंसी निकाली गई हैं। और हवलदार सीबीआईसी की बात करें तो इसके लिए 306 वैकेंसी हैं, टोटल 1558 वैकेंसी हैं, इसमें अनरिजर्व के लिए 771 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। ओबीसी के लिए 384 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 145 वैकेंसी निकाली गई हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 163 वैकेंसी निकाली गई हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की टोटल जो है 95 वैकेंसी हैं, और अगर रीजन वाइज बात करें तो एनडब्ल्यूआर में टोटल 9 वैकेंसी हैं, और एनआर रीजन में टोटल 113 वैकेंसी हैं, सीआर रीजन में 13 वैकेंसी हैं, ईआर रीजन में ईस्टर्न रीजन में टोटल 14 वैकेंसी हैं, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसमें जो है 15 वैकेंसी हैं, एमपीआर में जो है 7 ही वैकेंसी हैं। तो आपको ये प्रेफरेंस के टाइम जो है ध्यान रखना होगा कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, जैसे कि WR में टोटल 8 ही वैकेंसी हैं, और SR रीजन में टोटल 16 वैकेंसी हैं, इसके अलावा KKR रीजन में 5 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से जो है जो हमारा एज ग्रुप है 18 से 27 भी, इसमें टोटल 200 वैकेंसी हैं। बाकी जो एज ग्रुप 18 से 25 साल का है इसमें NWR रीजन में जो है टोटल 31 वैकेंसी हैं, और NR रीजन में 402 वैकेंसी हैं, साथ ही CR में केवल 13 वैकेंसी हैं टोटल, और ईस्टर्न रीजन में टोटल 160 वैकेंसी हैं। NER की बात करें तो इसमें टोटल 42 वैकेंसी हैं, MPR में टोटल 8 वैकेंसी हैं, और WR में टोटल 67 वैकेंसी हैं। SR रीजन की बात करें तो 207 वैकेंसी हैं, KKR में 68 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से 1558 वैकेंसी निकाली गई हैं। आप इस PDF को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।